Subscribe and click the bell icon for television updates. मैं सागर सलमान हूँ। मेरा सलमान भाई के लिए मैं बड़ी डबल भी करता हूँ, काफ़ी काम करता हूँ। मेरे साथ शाहरुख खान साहब आइए। और फिल्म अच्छी बनाई है, ईद के अवसर पर रिलीज हुई है, तो सबको देखना चाहिए। और वो गाना भी बहुत अभी चल रहा है कि इथे आप, वो जो गाना है वो बहुत सुपर डुपर हिट चल रहा है और हम लोग बहुत इस पर इंजॉय भी किए। और पिक्चर देखना चाहिए, बहुत मज़ेदार पिक्चर है। सर, मैसेज क्या था मूवी का, लाइक पूरी हिस्ट्री इंडिया की जो दिखाई है? ये पूरी भारत की हिस्ट्री दिखाई है और ये बताया है कि आप देश जो है लोगों से बनता है। जिस देश में अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा बनता है, जिस देश में बुरे लोग होते हैं, आतंकवादी, वो देश ख़राब हो जाता है। ये एक्चुअली इस पिक्चर का मैसेज है। अच्छा, मूवी में सलमान सर के बहुत सारे किरदार थे, आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया? जो यंग है, जब सलमान भाई की एंट्री होती है, वाह यार, एक बार मैं आपको वो यंग वाला करेक्टर करके, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है और इसलिए मैंने रेडी करके आया हूँ। ये सलमान भाई का नया वाला वो करेक्टर है जिसमें सलमान भाई बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं और उस पिक्चर से, पिक्चर वहीं से स्टार्ट होती है। ओके, पार्टीशन जो वाला सीन था वो कितना हार्ट टचिंग था? लोग रो देते हैं यार, क्योंकि जब वो पिक्चर का एक बहुत इम्पोर्टेंट सीन है वो, कि वो लोग वहाँ से यहाँ आ रहे हैं और वो उनके बच्चे छूट रहे हैं, सलमान खान के डैडी उसमें बिछड़ जाते हैं, बहन बिछड़ जाती है और जब मिलते हैं तो एक्चुअल में आंखों से आंसू आ जाता है। आई लव्ड इट, आई फाउंड इट वेरी गुड बिकॉज आई थिंक दे हैव शोन डिफरेंट फेजेस ऑफ मैन्स जर्नी राइट फ्रॉम द एज ऑफ 18 टिल द एज ऑफ 70। म्यूजिक इज़ वेरी गुड, गुड परफॉर्मेंसेज, सिनेमेटोग्राफी एंड एडिटिंग इज़ गुड। So overall, I think it's a complete package. How was the story like? Was it entertaining? Story is very gripping because वो patriotic feeling जाग जाएगी आपकी, and उसके साथ साथ बहुत ही emotional scenes हैं, बहुत ही entertaining scenes हैं, क्योंकि सुनील ग्रोवर हैं तो comedy बहुत अच्छी है। उसके साथ जितने भी सह कलाकार हैं, सोनाली कुलकर्णी, कुमोद मिश्रा, सबके बहुत अच्छे अच्छे roles हैं। दिशा पटानी looks sensuous in slow motion song और music बहुत अच्छा है। इथे एक गाना है, फिर एक चाशनी, आई थिंक वो रोमांटिक केमिस्ट्री जो सलमान और कैटरीना, दैट्स मैजिकल। ईद के मौके पर भारत फिल्म देखना पैसा वसूल है, इट्स वैल्यू फॉर मनी। ईद की ईद ही मिली है ऐसा मैं ज़रूर कहूँगी क्योंकि वो डाई हार्ट फैन है सलमान खान की। देखिए, सलमान के जो फैन है उसकी तो ईद 100% बन गई। हम भी ईद के मौके पे छुट्टी मनाने आज 8 बजे पिक्चर देखने आए। सलमान से हम भी प्रेम करते हैं और मोस्ट अवेटिंग मूवी थी और एक्साइटमेंट भी था और हम देखे भी और एक्साइटमेंट ख़त्म भी हो गया। सवाल ये है कि हम कुछ जहन में सोच के आए थे कि देशभक्ति के ऊपर ये पिक्चर होगी, लेकिन ये पिक्चर फैमिली मेलो ड्रामा पर है। तो जो खुशी देशभक्ति का पिक्चर देख के होती है वो नहीं हुई, लेकिन पिक्चर अच्छी है, डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है। ये अली जाफर साहब ने जो डायरेक्शन दिया है उसमें कोई कमी नहीं है। 2-4-5 चीज़ें बहुत अच्छी तरह बताई भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस पिक्चर में सलमान खान ने 4-5-6 तरह की अलग अलग वेरियस काइंड ऑफ रोल किए हैं। लेकिन सलमान में खूबी यह है कि वो बचपन में भी उतना सूट करता है जितना जवानी में, उतना ही बुढ़ापे में। अब उसने नेवी का कपड़ा पहना है तो रियल में नेवी ऑफिसर लगता है। अब वो लेबर बना एक जगह, अंडर माइंस में काम करता है तो लगता है सही में लेबर है, तो वो सूटेबल है, वेरी गुड एक्टिंग। अच्छा सर, मूवी कैसी थी ईद के मौके पर जो रिलीज हुई है भारत, इतनी फ्लौप, बड़ी फ्लॉप 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 फ्लॉप। सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक्टिंग, कैटरीना इज गुड बट टोटल फ्लॉप मूवी। अच्छा, म्यूजिक कैसा था? म्यूजिक ठीक है, म्यूजिक को गाने वाले में मजा, टोटल फ्लॉप मूवी, टोटल फ्लॉप। आई विल गिव ओनली 1 स्टार। ओके, ओनली 1 स्टार। कलंक पिक्चर थी करण जौहर की, दिस इज सेकंड कलंक, कलंक नंबर 2। बहुत बढ़िया, सलमान खान तो सल्लू भाई, सल्लू भाई है। म्यूजिक कैसा था फिल्म का? बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। अच्छा, कोई ऐसा पार्ट था जो आपको दिल को छू गया हो? पाकिस्तान का और बॉर्डर का सीन बहुत बढ़िया लगा। इट्स अ वेरी नाइस, वेरी नाइस मूवी। सलमान खान और कैटरीना कैफ जी की एक्टिंग कैसी? दोया उनकी एक्टिंग तो बेस्ट है, ये परिवार को एक पिक्चर समेट लेती है। हाँ। परिवार को कैसे कवर करना है ये दिखाती। अच्छा। पिक्चर इज वेरी नाइस।
म्यूजिक कैसा था? म्यूजिक पिक्चर इज बेस्ट, वो चलेगी। या इट वाज वर्थ रिलीजिंग ऑन ईद बिकॉज सलमान खान जी का तो ईद इनके लिए बहुत स्पेशल और लकी भी है। और बात करूँ अगर मैं मूवी की, तो मूवी कम्प्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट है, बहुत नया कंसेप्ट है। और एक पूरी स्टोरी दिखाई, 19 साल का लड़का है उससे लेकर 70 साल की उम्र तक। और बहुत अच्छी मूवी है, मूवी बहुत अच्छी है, बहुत डिफरेंट है और चैलेंजिंग भी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा मिले हैं पिक्चर में। और कहीं कहीं पर थोड़ी सी स्लो जाती है मूवी, क्योंकि उनसे एक्शन और स्पॉन्टेनियस एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं इस कारण, बाकी मूवी बहुत अच्छी है। हाँ, ईद तो अभी ऐसा लग रहा है कि ईद बनी गई, बहुत बढ़िया मूवी है। सलमान खान और कैटरीना कैफ जी की एक्टिंग कैसी है? एकदम, मतलब कुछ नहीं है अभी उनके आगे, बहुत मजा आया। अच्छा, सभी सलमान खान जी के फैन हैं? यस, बहुत फैन है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं हमेशा, हमेशा देखते हैं सलमान मूवी। मैसेज वॉज दैट वी शुड कीप होप इन आवर लाइफ विच विल मेक आवर लिविंग वेरी एंथुसियास्टिक। आई थिंक कैटरीना इज इम्प्रूविंग विद ईच एंड एवरी मूवी। पीपल आर सेइंग दैट शी कांट एक्ट, बट विद एवरी मूवी शी कम्स आउट विद अ सरप्राइज। एंड सलमान खान इज रिमार्केबल एज ऑलवेज एंड देयर केमिस्ट्री इज हॉट। हाँ, बनाए रखा। बीच में कुछ कुछ जगह पर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है, फिल्म का ड्यूरेशन कम हो सकता था, स्क्रीन प्ले और अच्छा हो सकता था और डायरेक्शन भी और अच्छा हो सकता था। बाकी सभी एक्ट्रेस ने काम बहुत अच्छा किया है। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें, आप अली अब्बास सर की डायरेक्शन कैसा लगा आपको फिल्म का पूरा? डायरेक्शन अच्छा है, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन कुछ जगह पर ना लेंदी हो जाती है फिल्म और रिपीटेटिव चीज़ें होने लगती है। जैसे सलमान खान एक जगह जॉब करते हैं, फिर वहाँ की कहानी देखने के बाद कहीं और जॉब करने जाना होता है, फिर वहाँ की कहानी, तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म वहीं के वहीं घूम रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। हम एक्सपेक्टेशन कुछ और करते हैं, लेकिन फाइनली पता चलता है कि नहीं, जो जो स्टोरी लाइन है उनकी, जो शुरुआत की थी उन्होंने, फादर सन की स्टोरी है बेसिकली, और वो सही जगह शुरू होती है, सही जगह ख़त्म होती है। देखिए, सबसे अच्छा किरदार उसका बचपन का है, इतना क्यूट लगता है और इतना अच्छा बोलता है, वो दिल को टच करता है। और पिक्चर में एक सीन लास्ट में आता है, वाघा बॉर्डर बताते हैं, इधर हिंदुस्तान है इधर पाकिस्तान है, और दोनों को मिलाने के लिए बहुत प्रयत्न किया जाता है, जैसे आप अभी कर रहे हैं, टीवी एंकर लोग सब को कहाँ पूरी दुनिया में लाइव करके, वो टचिंग एकदम है। और वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और सबसे बड़ी बात कि जो पहला सीन है वो बहुत बढ़िया है, जब गदर हुआ था 47 में, और सनी देओल का जो गदर पिक्चर आया था उसमें जो ट्रेनों में लाश और पब्लिक जाती है, वही तरह का इसमें भी बताया है, वो बहुत ही बढ़िया है। अभी वो लास्ट में जब उसकी बहन को लेके जो आता है ना, बहन खो जाती है, तब उस सीन पे रोना आ जाता है। अच्छा, सलमान खान ने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, तो आप दोनों को कौन सा किरदार सबसे? भाई एक नंबर, भाई एक नंबर, कुछ भी कर दे भाई एक नंबर ही है। अच्छा, आपकी तरफ से कितने स्टार हो गए? बहुत सारे, जितने हैं सब ले लो, 5-10 सब सब है, सबको देखना चाहिए, जो भी भाई के फैन है और जो भी भाई के फैन नहीं है, सबको ये फिल्म देखनी चाहिए, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है और कहीं पे भी बोर नहीं हो सकते आप इस फिल्म को देखते। दोनों की केमिस्ट्री तो ऑलरेडी ही बहुत बहुत अच्छी दिखती है, और इसमें तो साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे, खासकर बुढ़ापे का जो दौर दिखाया गया दोनों का, वो बहुत अच्छा लगा। द मूवी हैज द मैसेज कि वी शुड कीप होप, सो अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट, एंड द मैसेज फ्रॉम जी टीवी दैट दे हैड ट्राइड टू between India and Pakistan, the relation should be more strong and better for future of both of the countries. Nice movie. Message. एक साथ रहना चाहिए. Family unite. परिवार ने सब एक साथ रहना चाहिए और hopes कभी नहीं छोड़ना चाहिए. Be positive. और जो father और son का relation बताया, last तक सलमान उनके पापा के लिए ही सब करते रहता है और वही सबसे ज़्यादा strong लग रहा है. We should always have a positive approach towards life. Positive thinking hona chahiye. Very realistic. I think you'll get goosebumps. Those scenes are very emotional. Aur movie mein yahi dikhaya hai ki apne desh ke liye aap kya kar sakte hain, apne rishton ko banaye rakhne ke liye, you know, kuch log bichhad jate hain unko milne ke liye, log kitni jaddojahid karte hain, to wo us tarah se bahut hi
लोगों का मानसिक उत्पीड़न दिखाया उस पार्टीशन के टाइम का. सो आई थिंक इन ट्रू सेंस द मूवी यू नो टचेस ह्यूमन इमोशंस विच इज़ आई थिंक वेरी इम्पोर्टेंट एंड ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी सिचुएशनल. तो एक के बाद यू नो बहुत अच्छा मज़ा आया. पार्टीशन वाला पार्ट इंटरटेनिंग तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन बहुत दुखदाई है यार. विश्वास नहीं होता कि अपने इसी इंडिया में ये सब चीज़ें हुई थी आज जब हम देखते हैं तो, और वो बहुत अच्छे से हम तक पहुंचा पाए फिल्म मेकर. हाँ, इसमें 4 से 5 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं. उनमें से मुझे पर्सनली जो एजेड वाले 70 ईयर्स वाले वो बहुत अच्छा लगा, और उससे थोड़ा सा एक हिंट मिलती है कि जब वो इस उम्र पर पहुँचेंगे तो कुछ ऐसा ही उनका व्यक्तित्व होगा. हाँ, इसमें 4 से 5 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं. उनमें से मुझे पर्सनली जो एजेड वाले 70 ईयर्स वाले वो बहुत अच्छा लगा, और उससे थोड़ा सा एक हिंट मिलती है कि जब वो इस उम्र पर पहुँचेंगे तो कुछ ऐसा ही उनका व्यक्तित्व होगा. आजा डूब जाऊँ तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में. अच्छा गाना है, चाशनी भी अच्छा है. चाशनी सॉन्ग वॉज वेरी नाइस, दैट इज माई फेवरेट. एथिया सॉन्ग एंड स्लो मोशन. म्यूजिक में देखिए ओवरऑल ऑनेस्टली कोई दम नहीं है, म्यूजिक में या गाने में कोई दम नहीं है. पिक्चराइजेशन होता है, भाई बहन है सब नाचते गाते हैं, वैसा बताया. यस यस, ईद के मौके पे इससे अच्छी ईदी नहीं मिल सकती थी, तो सबको ईद मुबारक. गो एंड वॉच दिस मूवी. बिल्कुल देखनी चाहिए मूवी. सलमान खान सिर्फ डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे, इतना ही नहीं, सलमान खान में बहुत कुछ बाकी है. और इस फिल्म में आप वो देख सकते हैं. फिल्म का नाम है भारत, और भारत सिर्फ नाम नहीं है, भारत से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने इस फिल्म में कहने की कोशिश की है. डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली. समझने वाले समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं. एकता ही असली ताकत है. जितने हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, जितने सच्चे रहेंगे, उतना ही भारत एक रहेगा. इनडायरेक्टली वही बोलने की उनकी कोशिश है इस फिल्म के ज़रिए. धमाल, मस्ती, गाना, डांस, नाचना, ये सब तो एक होता ही है, लेकिन उसके अलावा सलमान खान ने जो कैरेक्टर किया है, 5 कैरेक्टर किए हैं, उसमें से सबसे अच्छा कैरेक्टर मुझे बुज़ुर्ग वाला लगा, जो 65-70 वाला. बहुत ठहराव के साथ अच्छे से उन्होंने किया है, और वाकई इमोशनल सीन उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं. एक तो ऐसी मोमेंट है जहाँ पर थिएटर में जन गण मन, फिल्म में एक सीक्वेंस है जहाँ पर जन गण मन गाते हैं या बोलते हैं, और ऑडियंस भी खड़ी हो जाती है. हम लोग भी खड़े हो गए किसी ने बगैर बोले. तो कनेक्ट करती है फिल्म बहुत जगह पर. यार पिक्चर सलमान भाई के लिए कोई स्टार नहीं होता है, वो खुद ही इतने बड़े स्टार हैं कि स्टार उनके पीछे पड़ जाता है. थैंक यू सो मच. 5 में से 3.5 दूंगा, 3.5 दूंगा मैं. 5 स्टार, सुपर हिट. 5 आउट ऑफ 5 आई वुड गिव 3.5. सलमान सर, वी ऑल लव यू, ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर फैमिली एंड फ्रॉम आवर नेशन. लव यू भारत.